बिहार के इमामगंज प्रखंड से सटे पड़ोसी झारखंड राज्य के चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के जोहलाबीगा गांव की सड़कें बदहाल हो गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहां से पूर्ण बहुमत से झारखंड सरकार मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जिताया गया ताकि झारखंड के चतरा विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सके, पर अब उम्मीद टूटती नजर आ रही है। जोहलाबीगा गाँव की समस्त जनता ने बताया कि ये सड़क पलामू इधर बिहार राज्य को जोड़ती है, जो कुल 3 किलोमीटर की सड़क है। साथ ही जनता ने कहा कि नेता गण चुनाव के समय आते हैं और केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। वहीं स्थानीय निवासी मकसूद खान और महेंद्र चौधरी का कहना है कि प्रतापपुर प्रखंड के जोहलाबीगा गांव की सड़क का टेंडर हो गया है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते अभी तक कोई सुरसार नहीं हुआ। वहीं ठेकेदार को तत्काल सड़क मरम्मत के लिए कहा गया, इस पर समस्या को आश्वासन देकर अनदेखा कर दिया। आपको बता दें कि गांव में वाहन जाने तक की सुविधा नहीं है और खटिया पर देहाती जुगाड़ से मरीज को ले जाया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मरीज को खटिया पर गांव के लोगों द्वारा ले जाया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही जान गंवानी पड़ती होगी। ये कैसा जौहर झारखंड राज्य है जहाँ के गाँव में सड़क नहर में तब्दील दिख रही है। ये क्षेत्र झारखंड सरकार मंत्री सत्यानंद भोक्ता का है। आखिर कब तक बेहाल सड़क के कारण इस गांव के लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। वहीं अब गांव की जनता ने सीएम सोरेन जी से सवाल करते हुए पूछा कि कब और कैसे सड़क निर्माण किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं आज बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड राज्य में हूँ, जो प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत आता है। ये जोहलाबीगा गांव है। यहाँ के लोगों की समस्या देख करके आपके भी दर्द उठ पड़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ लोग सड़क के बिना चलना मुश्किल हो रहा है। रास्ते पर कभी किसी की बीमारी के कारण मौत हो जाती है, घर पे ही डॉक्टर के पास समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण जनता है, आप देख सकते हैं कि कैसी सड़क है, किस हाल में लोग जाते हैं। यहाँ पे ना कोई वाहन आ सकता है, ना और कोई सुविधा है, ना चिकित्सक की कोई सुविधा है। तो सड़क को लेकर के कई लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे थे कि एक मरीज़ को देहाती जुगाड़ से खटिया पर टांग कर ले जाया जा रहा था, वो भी ले जाने वाले लोगों का पैर स्लिप करने से गड्ढे में गिर रहे थे। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे कि अब तक झारखंड राज्य जो काला हीरा का राज्य कहलाता है, तो यहाँ के अब तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ, यहाँ के गांव का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ। यहाँ हमारे साथ जनता मौजूद है, जनता जनार्दन से जानेंगे राय क्या कहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नजीर अहमद सिद्दीकी। ये यहाँ का स्थिति हमेशा से ही जर्जर रहा और हमेशा नेता आते जाते भी रहे और झूठा आश्वासन देते रह गए। आज तक लेकिन जो है काम सफल नहीं हुआ, जो कि हम लोगों की रास्ते के लेकर करके माने हालत जर्जर है। जो हम लोगों के रात बिरात अगर किसी तरह का, अभी मान चलिए कि दिन का माहौल है तो किसी तरह से देखता करके आदमी चला जाता है, लेकिन रात का परिस्थिति के अंदर मौत है, सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। यहाँ पर का जो यहाँ से लेकर करके ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो अब तक के मान के चलिए कि ये नहीं बना, ये आज नहीं, आज सदियों से इसी तरह से चलता आ रहा है। हम लोगों ने हर मंत्री हर नेता से अपना दुख दर्द कहा, लेकिन सिर्फ सुने और झूठा आश्वासन दे करके चले गए। अब तक के ये कोई काम कितनी नहीं। आबादी है यहाँ पर? यहाँ पर लमसम 400 घर की आबादी है। ये कहाँ से कहाँ तक सड़क जोड़ती है? ये सड़क जोड़ती है आपको लाली माटी से लेकर करके केसवा मोड़ तक के जोड़ती बिहार, है। बिहार भी निकलता है? जी नहीं, हाँ इसे माने जोड़ती है, एक दूसरे से मुख जोड़ती है, जो बिहार भी निकलती है, यूपी भी कहीं भी निकल सकते हैं, इधर गढ़वा पलामू डाल्टेनगंज कहीं भी आप निकल सकते हैं, जो ये मुख जोड़ती है। समझे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। और यहाँ पे जनता है और भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे चचा इसको लेकर के सड़क को। आइए क्या कहेंगे भाई, देखिए यहाँ पर तो यह हाल है कि इतना तो धान में भी पानी नहीं है जितना कादो हाँच है। भर भर ठेंगना आदमी जो है हेल करके जाता है, तो गिर जाएगा आदमी तो उसी में रह जाएगा, इतना हाँच है।
तो कैसे परेशानी है हम लोग का। कैसे आप इमरजेंसी में कैसे जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं, मर जाता है मरीज, मर जाता है। कितना मरीज मर गया यहाँ, तो इससे कैसे सावधान निकलेगा, कैसे सावधान निकलेगा? कोई भी नेता आते हैं यहाँ आकर के अपना देखते हैं, हाँ करके जाते हैं, हम लोग का भरोसा दे के जाते हैं, हम लोग इंतजार करते रहते हैं, हम लोग का कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। सुन रहे हैं कि टेंडर में आ गई है सड़क, लेकिन अब तक निर्माण का कोई बात नहीं, वो सब खाली हम लोग को विश्वासी घात कराया जा रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा है, कोई विश्वास है। क्या नाम है? हमारा शफीक मियां नाम है, कस्बा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं, क्या कहेंगे कुछ? ये सदियों से, आज से नहीं, ये तीन पोस्ट खत्म हो गया, अभी तक ये रोड नहीं बन पाया है, ये चौथा पीढ़ी चल रहा है बाल बच्चे का, समझे कि नहीं। जो हम लोग को परेशानी में है कि कितने आदमी इस रास्ते से मर चुके हैं, बाद बाकी हम लोग का नंबर लगा हुए है, अभी तक के सरकार का कोई ध्यान नहीं लगता है, है कि सड़क ये निर्माण हो जाएगा। अभी भोक्ता जी आप लोग ने जिता कर मंत्री बनवाया है, क्या अगर निर्माण हो जाएगा तो हम लोग का नई जन्म हो जाएगा रोड के मामले में, समझे कि नहीं। रोड हम लोग देखा ही नहीं है, हम लोग समझिए कि टापू में है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रियाज सदीकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। जैसा कि सुन रहे थे, जनता का दर्द किस तरीके से कई लोगों को जान गंवानी पड़ गई है, और आश्वासन देते हुए सभी प्रतिनिधि वोट लेकर के यहां से चले जाते हैं, लेकिन विकास का नाम यहां पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो झारखंड सरकार को और उनके मंत्रियों को और अधिकारियों को ध्यान देते हुए इस पर इसको निर्माण कराने की ज़रूरत है। जिस तरीके से झारखंड राज्य अपने क्षेत्र में विकासशील क्षेत्र में जाना जाता है, तो आज इस इंटीरियर क्षेत्र जो बिहार राज्य सीमा से जुड़ी हुई क्षेत्र है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनकी समस्या का समाधान करने की शीघ्र ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे कब तक लोग सड़क की वजह से जान गंवाते रहेंगे, बरसात के मौसम में खास करके जान लोगों की जोखिम में रहती है, कब किसके साथ कैसा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। हमारे साथ बने रहिए, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ मैं हूँ खलीम रजा।